कुछ सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, किस वाले से आज पेश हुए हाई कोर्ट में? आज खानों का खान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की गैरत का निशान इमरान खान के खिलाफ जो झूठे मुकदमा 200 दर्ज हैं उनमें से एक झूठे मुकदमे की सुनवाई आज होनी है, जो कि बिल्कुल खुद साख्ता है। और उसमें जुर्म यह है कि इमरान खान ने कौम को बताया था कि अमेरिका ने धमकी दी है कि इमरान खान को हटा दो वरना आपको नतीजे भुगतने पड़ेंगे। उस केस का सामना कर रहे हैं और उसको आने वाले दिनों में हर किसी ने माना कि हाँ, वो जो अभी शू पॉलिश, जो जूता पॉलिश वज़ीर आज़म बना है, जाली वज़ीर आज़म, उसने भी कहा था कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा अगर सच हुआ। तो बाद में उसने खुद ही कहा कि हाँ, वो सच है। उसकी समात है आज इंशाल्लाह। मैं फिर कह रहा हूँ कि हज़रत अली का कौल है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म और जबर की हुकूमत नहीं चल सकती। इस वक्त जुल्म और जबर का निज़ाम है, जाली असम्बलियाँ, जाली सदर, जाली वज़ीर आज़म, जाली गवर्नर्स, और ये खुद सख्ता निज़ाम नहीं चल सकेगा। उसकी वजह, आप इमरान खान जो पाकिस्तान है, इमरान खान जो वाहिद फेडरेशन की अलामत है, अगर आप इमरान खान को दीवार से लगा रहे हैं तो आप पाकिस्तान को दीवार से लगा रहे हैं। आज भी झूठे मुकदमे आपने करप्ट कह लिया, बददियानत कह लिया, गद्दार कह लिया, दहशतगर्द कह लिया, पार्टी तोड़ दी, लीडर जेल में है, निशान छीन लिया, उसके बावजूद लोगों ने यही कहा अय्या कना बुदो अय्या कनस्ताइन। और सबसे बढ़कर आपने कभी दुनिया में सुना कि एक निकाह पर, यानी कि बात माओ बहनों बेटियों तक पहुंच गई है और सिर्फ इमरान खान को चुकाने के लिए, इमरान खान को तोड़ने के लिए, इमरान खान से डील करने के लिए, ना इमरान खान टूटेगा, ना टूटा है और ना ही आवाम इमरान खान के साथ आवाम खड़ी हो चुकी है। इसलिए अभी भी वक्त है कि वो लोग जो इन चोरों डाकुओं को मुसल्लत कर रहे हैं वो इस तरह ना करें, चूँकि पाकिस्तान 24 करोड़ का मुल्क है, ये मुल्क जाग चुका है, ये 70-80 का मुल्क नहीं है। ये खुद साख्ता के जितने मर्जी बना लें, इनका एंड यही है। इंशाल्लाह हम देखेंगे इसी रमजान मुबारक के महीने में ये जो शैतान जिन्होंने कब्जा किया है, शैतान साहब बंद हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से और खान साहब बाहर होंगे। बहुत शुक्रिया। कुदरत की तखलीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।